विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स काफी दिनों से चर्चाओं में बनी हुई है। बीते कई दिनों से ये फिल्म विवादों में फंसी हुई है, जहां कई लोग इस फिल्म को रिलीज ना करने की डायरेक्टर को धमकी दे रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों ने इस फिल्म को कोर्ट में भी घसीट लिया है। हालांकि अब द कश्मीर फाइल्स के मेकर्स को राहत देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स की रिलीज को भी हरी झंडी दिखा दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। फिल्म अब 11 मार्च को ही रिलीज हो सकती है। फिल्म के कंटेंट को समुदाय विशेष के खिलाफ बताते हुए फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने की मांग से संबंधित याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका यूपी के इंतजार हुसैन सैयद की ओर से दाखिल की गई थी। द कश्मीर फाइल्स की कहानी 90 के दौर में घाटी में हुए कश्मीरी पंडितों के निष्कासन और इस दौर के राजनीतिक माहौल पर आधारित है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि कश्मीर में आजादी की मांग को लेकर उस वक्त अलगाववादी ताकतें चरम पर थीं, जिन्हें कुछ राजनीतिक नेताओं का सपोर्ट मिला था। कश्मीरी पंडितों पर हमले किए गए और उन्हें घाटी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, पुनीत इस्सर, पल्लवी जोशी और दर्शन कुमार जैसे दिग्गज कलाकार अहम किरदार में हैं। विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी द कश्मीर फाइल्स को खूब चर्चा में है। हाल ही में इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग जम्मू में रखी गई थी। इसके बाद दर्शकों के इमोशनल रिएक्शन सामने आए हैं। तब फैंस ने फिल्म डायरेक्टर को कहा था कि उन्हें इस फिल्म का प्रमोशन कपिल शर्मा के शो पर करना चाहिए, ताकि ये और लोगों तक पहुंचे। ऐसे में फैंस के ट्वीट के बाद विवेक अग्निहोत्री ने उनको जवाब दिया, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया था। विवेक ने कहा था, मैं भी उनका फैन हूं, लेकिन फैक्ट ये है कि उन्होंने हमें अपने शो पर बुलाने से मना कर दिया गया है, क्योंकि हमारी फिल्म में कोई भी बड़ा स्टार नहीं है। बॉलीवुड में नॉन स्टार निर्देशक, लेखक और अच्छे कलाकारों को कोई नहीं पूछता है। विवेक के इन आरोपों के बाद कई यूजर्स ने कपिल शर्मा पर अपना गुस्सा निकाला है। बता दें, द कश्मीर फाइल्स पर बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां भी चुप हैं। विवेक ने बॉलीवुड पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि यहां कुछ बिग्गीज हैं जो उनकी फिल्म को नाकाम करना चाहते हैं। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि 11 मार्च को ये फिल्म लोगों का दिल जीतने में कितना कामयाब हो पाती है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच आपके फिर फॉर योर काइंड वर्ड्स, पर मैं हिंदी में ही बात जी बिल्कुल, और मैं चाहता हूँ सब हिंदी में ही हम लोग आज बात करें जी, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है। आप सबका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये चूँकि कैमरे में शूट करते हैं और स्क्रीन में देखते हैं, इसलिए हर चीज़ को हम लोग फिल्म मान लेते हैं। खेर साहब यहाँ पे हैं, जब मैंने बुद्ध है ना ट्रैफिक जैम बनाई थी तो उन्होंने मुझे सिखाया था कि फिल्म का पर्पस लोगों तक अपनी कहानी पहुंचाना है, कैसे कहीं जैसे भी पहुंचे पहुंच जानी चाहिए। तो हमारी नज़र में ये एक फिल्म नहीं है जी। हमारी नज़र में ये एक मिशन है, और मिशन इसलिए है कि बड़े आश्चर्य की बात है, इन्होंने बोला आपको यहाँ से कोई भगा दे, लेकिन आपसे बोले कि आप अपने घर ही नहीं जा सकते हैं। कल्पना करिए, वो कपड़े, वो बिस्तर, वो अलमारी, वो सब कुछ कभी नहीं, अगले 30 साल नहीं, आपके बच्चे नहीं, आपके माँ बाप नहीं, आपके दोस्त नहीं, आप खुद नहीं जा सकते वहाँ। ये एक बड़ी विचित्र सी चीज़ है जो विश्व में और किसी के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मैसेकर्स हुए हैं, परसिक्यूशन हुआ है, जेनोसाइड्स हुए हैं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप जो आपकी ही मूलतः ज़मीन है, जहाँ यानी ट्रेडिशंस आफ्टर ट्रेडिशंस जहाँ पर आप ही के हैं, और जो भारत का इतना बड़ा एक नॉलेज सेंटर, ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी आप कल्पना करते हैं, आयुर्वेदा, योगा, पतंजलि, नाट्यशास्त्र, पंचतंत्र, शिव, सरस्वती, नॉन ड्यूअलिज्म, शंकराचार्य, हायर फिलोसफीज, उपनिषद, ये जिन चीज़ों की बात हिंदुस्तान करता है, और इनका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, तो सब आर्ट, लिटरेचर, पोइट्री, म्यूज़िक की बातें हैं। आज उस ज़मीन पर जहाँ पर यह सब पैदा हुआ था, आज ना तो वहाँ आर्ट है, ना म्यूज़िक है, ना लिटरेचर है, कुछ नहीं है। और जो लोग जिनने ये सब पैदा किया था, आज वो भी उनके लिए जगह नहीं है। कोई जाता है, आज भी आपने कुछ हफ्ते पहले सुना होगा कि आइडेंटिफाई करके कार्ड, आई कार्ड निकाल के स्कूल में किस तरह से टीचर्स को मार डाला गया स्टूडेंट्स के सामने। तो एनीवे, तो द रीज़न वी आर हियर, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सब करेंगे, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये फिल्म बनी कैसे। मैं और पल्लवी, हम लोगों ने एक बहुत छोटे क्रू के साथ
700 से ज़्यादा फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स मतलब जिनके माँ या पिता का कत्ल हुआ, किसी का रेप हुआ, जहाँ बच्चों को मारा गया, घर जला दी गया, संपत्ति लूट ली गई, ऐसे लोग जो फर्स्ट हैंड विटनेस हैं, जिनके साथ हुआ या जिनकी जिनने आंखों से अपने पिता या माँ के साथ देखा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आपने देखा नहीं है, सुनी सुनाई बातें, तो उसमें एग्जैजरेशंस वगैरह भी होते हैं। तो ऐसे लोग दुनिया में जहाँ भी थे, अमेरिका में, यूके में, जर्मनी में, उन सब के हमने वीडियो टेस्टिमोनियल्स, जैसे कि वॉर क्राइम के किसी गवर्नमेंट को रिकॉर्ड करने चाहिए, जो हमारे यहाँ किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं किया आज तक, वो हम लोगों ने अपने दिमाग में एक ट्रिब्यूनल सा बनाया और कहा लेट्स रिपोर्ट देम लाइक वॉर क्राइम्स। और ये एक एक दो दो दिन तक कई कई इंटरव्यूज चलते रहे। कई तो ऐसे लोग थे, बहुत बुढ़े भी हो गए, 80-90 साल के भी हो गए। और साउथ अफ्रीका से हमारे पास टेस्टिमोनियल्स आए, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, जम्मू से, दिल्ली से, बेंगलोर से, जहाँ भी लोग हैं। और सिर्फ फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स नहीं, बल्कि उस वक्त जो वहाँ पे DGP पुलिस थे या उनकी फैमिलीज, या जहाँ डिविजनल कमिश्नर जो थे वहाँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे जगमोहन साहब, हिस्टोरियंस, जितने भी टॉप लेवल जो ऑथेंटिकेट क्रेडिबिलिटी वाले लोग हैं, जिनको पूरा विश्व मानता है कि ये बोलते हैं तो इसमें अतिशयोक्ति या झूठ नहीं होता, ऐसे सब लोगों के साथ मिलके ऑन रिकॉर्ड वी ट्रेवल्ड एंड रिकॉर्डेड इट। ये फिल्म में एक एक शब्द, एक एक सीन, एक एक शॉट जिसको आप विजुअली देखेंगे, इसमें से एक भी चीज़ ना तो मैंने लिखी है ना मैंने किया है। हमने सिर्फ उन चीज़ों को रिक्रिएट कर दिया है जिसके एक नहीं बल्कि हज़ारों विजुअल रेफरेंसेस हैं या जिनके डायलॉग्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं। ये पहली फिल्म ऐसी आप मान के चलिए कि विश्व के इतिहास में बनी है जिसमें एक भी शब्द काल्पनिक नहीं है। ये अलग बात है कुछ कैरेक्टर्स के नाम, चूंकि वी वॉन्टेड टू रिस्पेक्ट द डेड, एक इंटरनेशनल एटिकेट, एक नॉर्म है कि जिन लोगों को इस तरह से मारा गया है तड़पा के, उन लोगों को जनरली वी अवॉइड नॉट टू हर्ट देयर फैमिलीज। और जो कई सारी कहानियाँ उनको एक टाइम लाइन में पिरो दिया गया है, सिर्फ इतनी हमने लिबर्टी ली है। तो मैं अब अगले 20 मिनट आपको वो दिखाना चाहता हूँ जो एक बहुत छोटा अंश है। हमारे पास तो इतना मटेरियल है कि एक महीना भी कम पड़ जाए अगर आप डे एंड नाइट 24 घंटे भी देखें तो इतना हमारे पास वीडियो टेस्टिमोनियल्स हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और शायद दुनिया में हमारे पास हैं और किसी के पास नहीं। तो मैंने एक सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए एक छोटा सा 20 मिनट की झांकी जिसको बोलते हैं दिखाने के लिए, सो यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरह से वो प्योरेस्ट ऑफ द इमोशंस वी हैव गॉट और उस पर हमने कैसे फिल्म बनाई है। एक छोटी सी 20 मिनट की जर्नी आप देखेंगे तो आपको इस फिल्म के बारे में ये समझ में आएगा कि ये सिर्फ एक फिल्म क्यों नहीं है एंड वाई इट इज़ मोर देन अ फिल्म। तो आप देखें, उसी में सब कुछ है। थैंक यू।